नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट श्रृंखला के लिए शनिवार शाम को भारतीय टीम का चयन किया गया, जिसमें कई बड़े फैसलों को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से ही ये बात चर्चा में थी कि विराट कोहली के बाद भारत के अगले टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा को ही बनाया जाएगा, जिस बात पर अब BCCI की मोहर लग चुकी है। रोहित शर्मा भारत के लिए अब तीनों ही फॉर्मेट में बतौर कप्तान टीम की अगुवाई करते दिखाई देंगे। इसके अलावा कई दिग्गज खिलाड़ियों का इस श्रृंखला से पत्ता साफ हो गया है। टेस्ट टीम के पूर्व उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट टीम से पत्ता साफ कर दिया गया है। बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले काफी समय से ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। दोनों के ही बल्ले से साल 2020 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद से ही रन आने बंद हो गए थे। रहाणे और पुजारा को बाहर करने से पहले कई मौके भी दिए गए थे, जिनका दिग्गज खिलाड़ी फायदा नहीं उठा पाए। हो ना हो, दक्षिण अफ्रीका दौरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के करियर का अंतिम चरण था। यहाँ रहाणे और पुजारा रन बनाने में असफल रहे। दोनों ही बल्लेबाज इससे पहले भी कई सीरीज में खराब प्रदर्शन करते आ रहे थे, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज से इन दोनों खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई है। रहाणे और पुजारा के अलावा लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रह चुके ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा को भी इस आगामी श्रीलंका सीरीज में जगह नहीं दी गई है। यकीनन, लेकिन भारतीय टेस्ट क्रिकेट का भविष्य देखते हुए चयनकर्ताओं ने इस फैसले को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि इस नए दौर में, जिसमें रोहित शर्मा टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे, भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।